गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं कि जब हमें कभी भी ट्रैवलिंग के लिए जाना होता है तो हम किसी न किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं। या तो उस व्हीकल में पेट्रोल इंजन लगा होता है या फिर डीजल इंजन लगा होता है। तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें हम पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल को जलाने के लिए, क्योंकि वो फ्यूल है तो उसे हमें जला के ही कोई पावर हम उससे मिल सकती है, तो उस पेट्रोल को जलाने के लिए हम एक स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं। तो स्पार्क प्लग जब स्पार्किंग करता है तो जो उसमें इंजन के अंदर पेट्रोल भरा होता है वो जलने लगता है और हमें पावर मिल जाती है। इस वीडियो में हम उस पावर सोर्स की बात करते हैं जो स्पार्क प्लग को सप्लाई की जाती है, जिसके थ्रू स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है। तो आपके बिना टाइम वेस्ट किए हम उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। स्पार्क प्लग को पावर सप्लाई करने के लिए दो सिस्टम का यूज़ करते हैं, एक होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम और एक होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो इस वीडियो में पहले हम बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो नया वीडियो बनाएंगे अगला उसमें हम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के लिए बात करेंगे। तो पहले हम बैटरी इग्निशन सिस्टम की बात कर लेते हैं उसके लाइन डायग्राम के साथ। बैटरी इग्निशन सिस्टम का पहले डायग्राम बना लेते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बैटरी से। यहाँ पर लगी होती है बैटरी जिसके थ्रू पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। और जब ये होता है इग्निशन स्विच, जब इसे हम कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई के थ्रू, तब यहाँ से जो बैटरी से जो पावर आ रही है वो सप्लाई करने लगती है। ये होता है बैलास्ट रजिस्टर। इसका काम होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना। जब सप्लाई हो रही होती करंट की प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसलिए हमने इसे मोटा ऐसे करके बनाया है क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें इस सिस्टम के लिए ज़्यादा पावर सप्लाई करनी है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो वो स्टेप अप का काम करती है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर हमें ज़्यादा सप्लाई करनी होती है तो हम सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देते हैं, अगर हमें स्टेप डाउन करना होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम कम कर देते हैं। यही होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का काम। तो सबसे पहले करंट आता है बैलास्ट रजिस्टर के थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ करंट जाता है इधर, ये होता है यहाँ पे ब्रेक पॉइंट। ये ब्रेक पॉइंट जब तक ब्रेक होता है तब तक तो इसमें करंट नहीं सप्लाई करती, और जब ये कनेक्ट हो जाता है तब इसमें से करंट सप्लाई होने लगती है, ग्राउंडेड होती है ग्राउंड के लिए। ये ग्राउंडेड हो जाती है करंट, सबसे पहले करंट आती है इसके पास, नंबर वन करंट इधर सप्लाई होती है। और जब ये कैम रोटेट करती है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। जब ये रोटेट कर रही होती है तो जो इसका फेस है जब ब्रेक पॉइंट के स्विच के सामने आ जाता है तब ये ब्रेक पॉइंट डिसकनेक्ट हो जाता है यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए। जो यहाँ से जो बैटरी से पावर सप्लाई हो रही होती है प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू इधर ब्रेक पॉइंट के लिए आ रही होती है, तो अगर कैम का फेस इस ब्रेक पॉइंट के स्विच के सामने आ जाता है तो ये डिसकनेक्ट हो जाता है। उस केस में क्या होता है, जो पावर सप्लाई आ रही होती है प्राइमरी वाइंडिंग से, वो प्राइमरी वाइंडिंग से पावर डायरेक्ट इधर कैपेसिटर के लिए सप्लाई होने लगती है। ये होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या काम होता है, जब प्राइमरी वाइंडिंग से करंट इस कैपेसिटर के पास सप्लाई होता है तो ये चार्ज को स्टोर कर लेता है। जब ये चार्ज को स्टोर कर लेता है तो चार्ज इसी के पास उस टाइम बना रहता है, और जब फेस इसका कैम का फेस दोबारा से इसके जो स्विच है ब्रेक पॉइंट का उससे जब हट जाता है तो जो स्विच है वो कनेक्ट हो जाता है सप्लाई के लिए, और प्राइमरी वाइंडिंग से दोबारा से सप्लाई इसके ग्राउंडेड के लिए होने लगती है। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग से सप्लाई ग्राउंडेड के लिए होने लगती है तो उस केस में जो कैपेसिटर होता है इसके पास चार्ज कलेक्ट हो चुका होता है, ये चार्ज को इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में डिस्चार्ज कर देता है। ये जो इसके पास करंट सप्लाई जो हुई थी और जितना भी इसने करंट को स्टोर किया था वो सारा का सारा करंट इस सेकेंडरी वाइंडिंग में डिस्चार्ज कर देता है, तब वो इनहेंस हो जाता है, उसकी सप्लाई जो भी होती है वो बढ़ जाती है।
सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू जो करंट है वो जाता है इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, सबसे पहले वो फर्स्ट सिलेंडर के स्पार्क प्लग को सप्लाई देगा, उसके बाद सेकेंड सिलेंडर के स्पार्क प्लग को सप्लाई देगा, फिर फोर्थ सिलेंडर, फिर थर्ड, इसी टाइप से वो जो अरेंजमेंट है वो लगाया जाता है सिलेंडर का। तो जब ये फर्स्ट के सिलेंडर को सप्लाई देता है तो उसमें स्पार्किंग हो जाती है, फिर सेकंड को जब देता है तब उसमें होती है स्पार्किंग, फिर फोर्थ में, उसी टाइप से फिर थर्ड में हो जाती है। तो बस यही था स्पार्क प्लग को, ये बैटरी इग्निशन सिस्टम के थ्रू यहाँ से सप्लाई मिलती है बैटरी से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इसमें कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू।